नमस्कार हमारे सभी भाइयों को, स्वागत है हमारे फन फैक्ट चैनल पे। दोस्तों आज भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसे हथियार का सफल पूर्वक परीक्षण कर लिया है जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देश भी कांपने लगेंगे। क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दरअसल दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा साबित हुआ है तो कई लोग नाम लेंगे S-400 या फिर S-500 का, लेकिन आप सुन के चौंक जाओगे कि रूस यूक्रेन वॉर में ये सभी हथियारों का ज्यादा यूज नहीं हुआ है। और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि S-400 और S-500 के खिलाफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ मैनपैड यानी कि मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम। दरअसल ये एक खास तरीके का डिफेंस सिस्टम है और इसे सिर्फ एक आदमी ही चला सकता है। दरअसल यूक्रेन को पता था कि वो रूस के S-400 का सामना करना उसके बस की बात नहीं है, तो उन्होंने रशियन वायुसेना को रोकने के लिए मैनपैड्स लेने चालू कर दिए। उसके बाद यूक्रेन के सैनिक मैनपैड्स को लेकर जंगलों या फिर घास में छुप जाते थे और जैसे ही रूस का कोई भी लड़ाकू विमान आता था तो वो तुरंत ही इसे फायर करते थे और वो फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में जमीन पे गिर जाता था। और इसी वजह से जो रशिया यूक्रेन वॉर में मैनपैड्स हैं वो ज्यादा सफल माने जाते हैं। और इसी को देखते हुए भारत ने भी कुछ ऐसे हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है और हम बात कर रहे हैं वसो रेड्स की, जो भारत का मैनपैड सिस्टम है। और भारत पिछले कुछ समय से इसे बनाने का प्रयास कर रहा था और भारत ने इसका पहला टेस्ट भी कर लिया है और इस टेस्ट में इसने अपने सभी पैरामीटर को अचीव कर लिया है। और बात करें वसो रेड्स की खासियत की तो इसका टोटल वेट 65 kg है और इसको ऑपरेट करने के लिए 2 सैनिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि वो एक और मैनपैड्स बना रहे हैं जिसका वजन बहुत ही कम होगा और इसको आने में करीबन 2 से 3 साल लग जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानना है तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक कॉमेंट सेक्शन में है। और डिफेंस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।